रामचरित मानस का पाठ प्रतिदिन अपने घर में करने से कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में रामचरित मानस या रामायण के पास संध्या के समय गाय के देशी घी का दीपक जलाया जाता है, उस घर में अन्न की कमी नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं रामचरित मानस की कुछ चौपाई और उनका अर्थ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। होई ही सोई जो राम रची राखा, आको करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे, अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। कर्म नाश जल शुर शरी परई, अतु यही को कहो शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश का जल यदि गंगा में पड़ जाए तो उसे कौन नहीं सिर पे रखता है, अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। अनुचित उचित काज कछु होई, असमझ करिय भल कह सब कोई, सहसा करी पाछे पछिताई, आ कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित यह जानकर करना चाहिए, उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार।